मॉर्निंग स्टूडेंट, आज देखिए आज बीएससी फर्स्ट ईयर में मेथड ऑफ फिशिंग, बीएससी थर्ड ईयर है जो, उसमें फिशिंग मेथड ऑफ फिशिंग मछली पकड़ने की विधि बता रही हूँ, जिसमें क्या होता है मछली ट्रैपिंग, एंगलिंग, स्टैंडिंग, स्कूपिंग, पर्स नेट, ड्रग नेट, गिल नेट और लेफ्ट नेट और कास्ट नेट, इतने 9 प्रकार के नेट होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो मेथड ऑफ फिशिंग में जैसे ट्रैप नेट अलग होता है, एंगलिंग नेट अलग होता है, स्टैंडिंग, स्कूपिंग, पर्स नेट, ड्रग नेट, गिल नेट और डिप, या फिर इसको लेफ्ट नेट को कास्ट नेट कहते हैं। ट्रैप मीन्स क्या कहलाता है, फंदा बनाना, छिछले और गहरे जो जल जो होते हैं उसमें दोनों प्रकार में ये होता है। फंदे में अनेक पदार्थ भून करके बनाए जाते हैं तथा पंजर जैसा एक बना दिया जाता है और कीचड़ के स्थान पर इनको प्रयोग, जहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होता है वहाँ पे इसको रखा जाता है और जिसमें मछलियाँ ट्रैप में फंस जाती हैं। एंगलिंग जो होता है बड़ी और परभक्षी मछलियों को पकड़ने, जो एंगलिंग प्रकार का नेट जो होता है ये बड़ी और परभक्षी मछलियाँ जो दूसरी मछलियों को, छोटी मछलियों को खा लेती हैं, उनको पकड़ने की सामान्य विधि होती है। इसमें जो बांस जो होता है, बंसी को जमीन में गाड़ के छोड़ देते हैं, मतलब बंसियाँ लकड़ियाँ छोटी छोटी ऐसे मार लीजिए ये पॉन्ड और इसमें ऐसे ऐसे इनको लकड़ियों को गड़ा दिया जाता है, बंसियों को गड़ा दिया जाता है, गड़ा के छोड़ दिया जाता है और इसमें जाल लगा हुआ होता है जिसमें कि ये ट्रैप हो जाती हैं और फिशेस जो है पकड़ जाती हैं। ओके, इसके बाद होता है स्टैंडिंग, इसका प्रयोग छिछले जल में किया जाता है मिट्टी के बांध बनाकर। मीन्स क्या होता है, जैसे पानी है तो वहाँ पे ऐसा बांध टाइप का बना दिया जाएगा और इसमें क्या होगा, ऐसा नेट लगा होगा जिससे मछलियाँ इसमें आएंगी और पकड़ जाएंगी। तो स्टैंडिंग क्या है, इस प्रकार का छिछले जल में जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है और मिट्टी के बांध बना के अलग किया जाता है। देन इसके बाद होता है स्कूपिंग, स्कूपिंग मीन्स होता है उछालना, उछालना आप समझ में आ रहा हो कि एक गोलाकार तिकोना आयताकार ढांचा प्रयोग किया जाता जाए, इस टाइप का एक ढांचा होता है और यह गोलाकार भी हो सकता है और ये ढीला ढाला लूज छोड़ दिया जाता है, लूज पानी में छोड़ दिया, जैसे पानी में मछलियाँ छोड़ने के बाद मछलियाँ इसमें फंस गई तो इसको ऊपर उछाल दिया जाता है जिससे स्कूपिंग कर दी जाती है जिससे कि मछलियाँ पकड़ में आ जाती हैं। इसके बाद होता है पर्स नेट, पर्स नेट जो होता है पर्स जाल जो हिल्सा और कैट फिश पकड़ने में उपयोग, मोस्टली हिल्सा मछली और कैट फिश को पकड़ने के लिए पर्स नेट का उपयोग किया जाता है और ये गंगा नदी में पर्स जाल बिछा, जो गंगा नदी जो होती है उसमें पर्स जाल में मछली पकड़ी जाती हैं। इनमें खड़की और संगल नाव में जो दो प्रकार के नेट होते हैं, इसमें खड़की और संगल प्रकार के नेट होते हैं जो नाव में से जुड़े हुए होते हैं, मतलब पीछे नाव में ये लगे हुए होते हैं और मछलियाँ इसमें कैप्चर की जाती हैं हिल्सा और कैटफिश पकड़ने के लिए, किसमें गंगा नदी में पर्स जाल बनाए जाते हैं, गंगा नदी जो होता है उसमें पर्स जाल बनाए जाते हैं, खड़की और संगल नाव से जुड़ा होता है। फिर होता है ड्रग नेट, यह सामान्यतः झीलों में नदियों में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रस्सी होती है उसमें प्लग बंधे होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, देखिए ऐसी रस्सी होगी, रस्सी में क्या लगे होंगे ऐसे ऐसे प्लेब लगे हुए होते हैं और इनमें मछलियाँ क्या होती हैं कैप्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो इसको ड्रैग नेट कहते हैं। ये सामान्यतः झीलों में और नदियों में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद गिल नेट, गिल नेट जो होती है एक जाली का छिद्र होता है, ठीक है, गिल नेट मीन्स क्या होता है, एक जाली होती है उसमें एक छिद्र होता है और मछली अपने आकार के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती हैं पकड़ जाती हैं, ठीक है, मछली जात पर निर्भर करती है कि बड़ी है कि छोटी है, उसके अकॉर्डिंग ये मछली पकड़ी जाएगी और ये रेसों के बने हुए होते हैं, जो रेसे सन और रेसे के बने हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे जाली जाली टाइप का रहेगा, ठीक है, ऐसी इसमें इसको पकड़ा जाता है, गिल नेट जो होता है नेट टाइप का होता है और उसमें छिद्र होता है, मछली के अकॉर्डिंग इसको रखा जाता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद डिप नेट या फिर इसको डिप या लेफ्ट नेट, ये 5 से 10 मिनट तक पानी पे रख कर तो तेजी से पानी, मतलब ये ऐसा होता है डीप डुबो करके, मतलब एक नेट है इसको पानी के अंदर डुबो कर रखेंगे और 5 से 10 मिनट तक डुबोने के बाद उसको ऊपर की तरफ उछाल देते हैं तो उछालते समय पकड़ जाती है मछलियाँ, जो मछलियाँ इसके ऊपर रहती है, जैसे मान लो ये नेट है, अब इसके ऊपर मछलियाँ आ गई, अब जैसे हम उछालेंगे तो मछलियाँ संपर्क में आ जाएंगी और आने के बाद पकड़ जाती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया डीप, या डीप मीन्स गहराई में डूबा हुआ नेट जो होता है, तो इसको क्या करते हैं अपन उछालेंगे तो मछलियाँ इसमें कैप्चर। कास्ट नेट, ये गोल छाते जैसा सूत का बना हुआ होता है जिसमें 50 से 1000 पर्दियाँ 1000 जालियाँ होती हैं, जो क्या होता है खेपल जाल भी कहते हैं इसको, खेपल जाल भी कहते हैं। कास्ट नेट गोल छाते जैसा होगा, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, देखो ऐसा टाइप का रहता है, ओके, और इसमें क्या रहता है मछलियाँ कैप्चर हो जाती हैं। तो देखिए मैंने आपको मेथड ऑफ फिशिंग बताया, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसके पहले मैंने इंड्यूस्ड ब्रीडिंग बताई वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेथड ऑफ फिशिंग में ट्रैप,
एंगलिंग, स्टैंडिंग, स्कूपिंग, पर्स नेट, ड्रग नेट, गिल नेट, डीप नेट और कास्ट नेट होता है। तो मछली ट्रैप करने की विधियां, मछली पकड़ने की विधि। पर्स नेट जो होता है आपको याद रखना होगा कि गंगा नदी के पानी जाल में होता है और हिलसा और कैट फिश इके के द्वारा पकड़ी जाती है। और ये नेट टू टाइप का होता है, खड़की और संगाल। ओके, दैट्स क्लियर। गिल नेट का पूछता है तो जाली के समान छिद्र होता है। देन डीप मीन्स गहराई में डूबा हुआ होता है। 5-10 मिनट तक इसको डुबोए रहते हैं और ऊपर उछालते हैं तो जो मछलियां इस जाली के ऊपर आ जाती हैं वो पकड़ में आ जाती है। तो मछली पकड़ने की विधि भारत में पुरातन से चली आ रही, पुरातन समय से ही मछलियों को पकड़ा जाता है, उसका कल्चर भी किया जाता है क्योंकि हमारे औद्योगिक दृष्टि से मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और पश्चिम बंगाल में और बिहार में मोस्टली ये खाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। तो ये हो गया आपका जो आपको मैंने मेथड ऑफ फिशिंग बताया है। तो ये आपके 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर के अकॉर्डिंग इतना सफिशियंट है तो आप इसको अच्छे से कर ले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में पेरित प्रजनन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ओके, पेरित प्रजनन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में बता रही हूँ। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग है पेरित, किसी चीज़ को पेरित करना यानी किसी कार्य करने के लिए। तो प्रजनन के लिए जब मछलियों को पेरित किया जाता है उसे पेरित प्रजनन कहते हैं। देखिए प्रायः पालने योग्य मछलियों को फिश सीड को नदी के प्राकृतिक प्रजनन के क्षेत्र में एकत्रित किया, मतलब इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में प्रायः पालने योग्य जो मछलियाँ पाली जा सकती उन्हीं के फिश सीड को नदी के प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है। परंतु इसमें से सभी प्रकार के बीज, जैसे मान लो कि पूरे एक तालाब में अपन ने उठा के फिश सीड डाल दिए, पर उसमें से सभी सीड क्या अच्छे नहीं हो सकते, कुछ हानिकारक भी होते हैं कुछ लाभदायक। परंतु इसमें से सभी प्रकार के बीज संग्रहित हो जाते हैं, अतः उसमें से कम करने या अच्छी नस्ल की मछली प्राप्त करने के लिए कृत्रिम या पेरित प्रजनन किया जाता है। पेरित कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से, प्राकृतिक रूप से ना होके आर्टिफिशियल तरीके से जो प्रजनन होता है या पेरित किया जाता है या संकरण किया जाता है या हार्मोन्स के द्वारा कराया जाता है उसी को हम पेरित प्रजनन कहते हैं। तो आपको हमने बताया कि मछलियों के जो सीड होते हैं नदी के प्राकृतिक प्रजनन क्षेत्र में एकत्रित, परंतु इनमें से सभी प्रकार के बीज संग्रहित हो जाते हैं, तो इसको कम करने के लिए अच्छी नस्ल की मछलियां प्राप्त करने के लिए कृत्रिम या पेरित प्रजनन किया जाता है। पेरित प्रजनन लैंगिक रूप से परिपक्व मछलियों में बंधन के अंडे देने लिए हाइपोफाइजेशन करते हैं। हाइपोफाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइपोफाइजेशन या पेरित करते हैं मतलब लैंगिक रूप से परिपक्व मछलियां। पेरित प्रजनन लैंगिक रूप जो सेक्सुअलिटी रूप से क्या है परिपक्व है मैच्योर्ड मछलियों को उनको बंधन में अंडे देने के लिए हाइपोफाइजेशन का मतलब और हार्मोन्स के द्वारा उनको हार्मोन्स दिया जाता है और उनको प्रेरित किया जाता है इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। ठीक है, इंड्यूस ब्रीडिंग या फिर पेरित प्रजनन आपको समझ में आ गया, किसी को प्रेरित करके अप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जो प्रजनन कराया जाता है उसे कहते हैं। तो इसको परिभाषा बन गई कि देखो मछलियाँ पालने योग जो होती है, फिश सीड अपन ने डाल दिया, उनमें से सभी प्रकार की मछलियाँ पालने जो ज़्यादा प्रजनन करने की ज़्यादा मतलब स्वस्थ मछलियाँ होती हैं तो उनके बीजों को क्या किया जाता है छांट करके उनमें क्या कृत्रिम या पेरित प्रजनन कराया जाता है जिसे हम हाइपोफाइजेशन कहते हैं। मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग में ताल में प्रजनन और ताल में न होने वाला प्रजनन। तो पहले ताल यानी तालाब में जो प्रजनन होता है उसे हम कहते हैं ताल में प्रजनन। इस प्रकार की मछलियां अच्छे रखरखाव वाले तालाब में अंडे देने के लिए अनुकूलित होती हैं। ताल में प्रजनन कराने वाली जो मछलियां होती हैं तो ये मछलियां कैसे अनुकूलित होती हैं, जिस जगह पे वो रहती हैं उसके वातावरण के अनुसार वो अनुकूलित होती हैं। विशेष रखरखाव किए किसी प्रजनन ताल में चुनी हुई अंडे देने वाली मछलियों को डालकर कराए, विशेष रखरखाव ऐसा तालाब यूज किया जाता है या ऐसा पॉन्ड को मतलब सिलेक्ट किया जाता है जहाँ विशेष प्रकार का रखरखाव हो, वहाँ किसी प्रकार की गंदगी नहीं हो, अशुद्धियाँ ना हो, इस प्रकार के प्रजनन के लिए तालाब को चुना जाता है। चुनी हुई अंडे देने वाली मछलियों को फिर उसमें डाल देते हैं। तो मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग में 2 टाइप, ताल में प्रजनन करने वाली और ताल में न प्रजनन करने वाली और हार्मोन में के द्वारा। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ताल में प्रजनन। तो आप इस प्रकार की मछलियों को अंडे मतलब मछलियों को रखने के लिए तालाब कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, विशेष रख रखाव का प्रजनन ताल होना चाहिए। ठीक है, चुनी हुई जो मछलियां जो चुनी हुई अंडे देने वाली मछलियों को डालकर रखा जाता है। ताल में ऑक्सीजन या O2 युक्त पानी, मतलब कैसा पानी तालाब में होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। भौतिक कारक जैसे ताप, दाब, तापमान, प्रकाश, लाइट, ये दाब, इन सबको ध्यान रखते हुए वो तालाब को मेंटेन किया जाता है। मतलब तालाब में जो टेम्परेचर भी 24 से 32 सेल्सियस तक होना, मतलब टेम्परेचर का भी रखरखाव होना चाहिए, उसका वातावरण अच्छा होना चाहिए, वहाँ प्रदूषण नहीं होना चाहिए, लाइट भी पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो ये सब क्या हो गए, भौतिक या फिजिकल कारक हो गए
जो कि एक इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए आवश्यक होते हैं, प्रेरित प्रजनन ताल बनाने के लिए। प्यूट्रिक हार्मोन्स जो होता है इसका इंजेक्शन देके भी प्रेरित किया जाता है। ओके, तो मेथड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग में ताल में प्रजनन। अब ताल में प्रजनन न करने वाली, तो ताल में प्रजनन न करने वाले दो प्रकार से होते हैं, बंध द्वारा और हार्मोन द्वारा। देखो, ताल में प्रजनन जो कि तालाब में प्रजनन नहीं करते हैं, जैसे कि लेवियो, कातला, चीनी कार्प, ये ऐसी मछलियां होती हैं जो तालाब में प्रजनन नहीं कराया जा सकता, तो इनको बंध प्रजनन। इसमें विशेष प्रकार के बांध, ऐसा मतलब ऐसा बांध बना लिया जाता है, इसके चारों ओर मेड़ बनाई जाती है और इसको क्या किया जाता है, नदी जैसा माहौल इसमें क्या ऐसे खोल दिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, नदी जैसा माहौल दिया जाता है, नदी जैसा पारिस्थितिक तंत्र बना करके 24 से 32 सेंटीग्रेड ताप पर मेड़ बनाई जाती है। मतलब क्या किया जाता है, बांध समझ रहे हैं, चारों ओर से एक मिट्टी का ऐसा बांध टाइप का बना लेना जिसमें पानी एकत्रित होता है, एक तरफ से खुला हुआ होता है, तो तालाब ना होकर के क्या होते हैं, नदी जैसी पारिस्थितिक तंत्र बनाया जाता है। जब एक तरफ से खुला हुआ होगा और जब बारिश का पानी इसके अंदर आएगा फ्लो के साथ, तो बारिश का पानी फ्लो के साथ आएगा तो इसके साथ कुछ कार्प मछलियां भी बहकर आ जाएंगी, तो अंड जनन करती है। मतलब क्या, ये पूरा बंद नहीं रहता, ऐसा खुला हुआ रहता है, इससे बारिश का पानी इसमें फ्लो के साथ आ गया, बांध बना दिया, ये तालाब नहीं है। ये जब वर्षा के समय में इसमें प्रजनन होता है, जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा में ये क्या होते हैं, भर जाते हैं और वर्षा के पानी के साथ साथ कार्प मछलियां बह करके आ जाती हैं और अंड जनन करती हैं। मतलब ये बाकी टाइम सूखा रहता है, बारिश के टाइम में क्या होता है, इसमें पानी बांध में भर जाता है, फोर्सली जब पानी आएगा तो इसके साथ कुछ कार्प मछलियां आएंगी जो यहाँ पे प्रजनन करेंगी। ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल में ये बंध प्रजनन की क्रिया की जाती है। फिर होता हार्मोन। हार्मोन में स्यूसिक ग्रंथि द्वारा FSH तथा LH लैंगिक परिपक्व अंड जनन को प्रभावित करता है। जो हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन जो होते हैं, जो सेक्सुअल मेचोरेशन को, अंड जनन को प्रभावित करते हैं, तो इसको कहते हैं हार्मोन। तो किसमें होता है, प्यूट्रिक ग्रंथ या प्यूस ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा होता है। तो हाइपोफाइजेशन द्वारा हार्मोन की एक विधि होती है, हार्मोन देने की एक विधि होती है जो स्वस्थ एवं लैंगिक रूप से परिपक्व मछली को मर जाती है। जैसे कोई स्वस्थ बिल्कुल परिपक्व मछली है और वो मर गई, अब मर जाने के बाद तुरंत उसकी पीयूष ग्रंथि को निकाल लिया जाता है। जैसे मछली मरती है और तुरंत उसकी पीयूष ग्रंथि या प्यूट्रिक ग्लैंड को निकाल लेते हैं और एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालकर सील बंद करके फ्रिज में डाल देते हैं। मतलब ये क्या, हार्मोन बनाने की विधि है। जो हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलेगा तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जैसी मछली, स्वस्थ मछली मरती है जो लैंगिक रूप से परिपक्व है, तो जैसी मछली मर जाती है तो तुरंत उसका पीयूष ग्रंथि निकाल लेते हैं, निकालने के बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल में डालकर क्या, सील बंद कर देते हैं और फ्रिज में डाल देते हैं। जिस जात की मछली का अंड जनन करना होता है, अगर उस जात की मछली का अपन ने पीयूष ग्रंथ लिया तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसे प्रजनन भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। अब देखिए, हार्मोन्स देने के लिए पुंछ पंख के आधार भाग पर, जो पुंछ पंख जो होता है उसके आधार भाग पर, पीठ में अथवा श्रेणी पंख जो होता है उसके भाग पर पेरिटोनियम के में इसका निलंबन या इंजेक्शन देते हैं। तो आप याद रखिए, मछलियों में पेरिटोनियम जो होता है भाग, पेरिटोनियम भाग में मछली को ये पेरिस प्रजनन का इंजेक्शन दिया गया, हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जाता है। कुछ पंख के आधार पर, पीठ के अथवा श्रेणी पंख के आधार भाग पर, पेरिटोनियम जो भाग होता है वहाँ पे निलंबन या इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, इंड्यूस ब्रीडिंग या पेरिस प्रजनन, जब कृत्रिम वृद्धि से मछलियों की पैदावार बढ़ाने की या मछलियों की खेती की जाती है जिससे कि अधिक से अधिक इनकम हो सकती है, अर्निंग हो सकती है। ठीक है, तो ये है पेरिस प्रजनन। थैंक यू।